दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के लिए चुनावी नगाड़ा बज गया है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और इसके तहत अब 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता अपनी नई सरकार का चयन करेगी। यानी कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को ये सामने आ जाएगा कि किसमें कितना दम है। 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि हरियाणा की जनता क्या एक बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हुए हैट्रिक बनवाएगी और या फिर कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। 4 अक्टूबर को ये भी तय हो जाएगा कि क्या अभय सिंह चौटाला, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिले, वो हरियाणा के अंदर कोई करिश्मा कर पाते हैं और या फिर हरियाणा का किंग मेकर अब की बार कोई भी नहीं होगा। मतलब ये तमाम बातें हैं जो 4 अक्टूबर तक सामने आ जाएंगी। काउंटडाउन आज से ही शुरू हो गया, आचार संहिता आज लग गई। और इस वीडियो में मैं आपके साथ हूं मुख्यतः कांग्रेस पार्टी को लेकर, और मैं आपके साथ चर्चा में हूं कि कांग्रेस के अंदर जो पावर गेम चल रहा है पिछले लंबे समय से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की बात, हालांकि गुटबाजी की बात मैं आपसे कई बार कहता रहा हूं कि आप किसी भी पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो और पार्टियां हरियाणा की जितनी भी हैं, उन सभी पार्टियों में या तो पार्टी के आला कमान वो खुद लोग ही हैं, और या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी है तो बीजेपी का आला कमान जो कह देता है वो सबको शिरोधार्य होता है। इवन यहाँ ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर जैसे कांग्रेस के लोगों के लिए आला कमान के संदेश कोई खास मायने नहीं रखते। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि लंबे समय से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर पावर गेम लगातार जारी है। चाहे फिर वो अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके सामने भूपेंद्र हुड्डा थे, चाहे फिर कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी और उनके सामने भूपेंद्र हुड्डा रहे, और चाहे फिर अब चौधरी उदयभान प्रदेश अध्यक्ष हो गए और उनके सामने कुमारी सैलजा हैं। यानी कि जो गुटबाजी का खेल है कांग्रेस के अंदर, ये खत्म होता नहीं। और इसके साथ ही असर पड़ता है उन तमाम नेताओं पर जो अपने आका के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि चाहे वो हुड्डा गुट के लोग हों जिनको टिकट की चाह होती है, और या फिर दूसरे गुट के लोग हों कि जो टिकट की उम्मीद बांधे बैठे होते हैं। दोस्तों, पिछले काफी समय से कांग्रेस के अंदर एक बात बड़ी चर्चा में है। इसको राजनीतिक गलियारों में भी आप सुन सकते हैं, इसको मीडिया दरबारी लोगों में भी आप सुन सकते हैं, तमाम जगह, यानी कि मीडिया लोग के लोग भी कहते हैं, नेताओं के दरबारी लोग भी कहते हैं, और इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारे में इसकी बड़ी चर्चा है। वो चर्चा ये है कि जो नेता विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार हार गए, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके अंदर भी कई बातें हैं कि वो नेता जो खुद चुनाव हारे, और या फिर वो आ जाएगा कि जिनके परिवार में 2 चुनाव हार गए, पिता पुत्र भाई भाई या माँ बेटा या पति पत्नी कोई भी हो सकता है, और या फिर ये है कि कोई नेता अलग अलग सीटों से हार गया। लेकिन ये जरूर है कि ये चर्चा बहुत गंभीरता से है कि कांग्रेस का आला कमान उन लोगों पर आसानी से विचार नहीं करेगा जो लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा उन नेताओं की, एक दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो एक ही विधानसभा सीट से 2-2 बार लगातार चुनाव हारे हैं। हालांकि वो नेता ये भी कह सकते हैं कि अगर वो 2 बार चुनाव हारे तो फिर कांग्रेस कौन सा 2 बार चुनाव जीत गई, पार्टी भी तो हारी। अगर एंटी इनकम्बेंसी उनकी थी तो फिर कांग्रेस की भी थी, अगर उनकी लोकप्रियता कम थी तो फिर कांग्रेस की भी लोकप्रियता कम थी। लेकिन ये जरूर है कि जिन नामों पर आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपसे बात करूंगा, अगर उन नेताओं की टिकट पर कैची चलती है तो फिर आप मानिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की ताकत हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के अंदर खासकर कम जरूर होगी। भले ही इन विधानसभा सीटों पर सेकंड लीड भी कोई तैयार कर रही हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, लेकिन जिन नामों को मैं आपको बता रहा हूं, वो ज्यादातर उनमें से कई नेता पूर्व में विधायक भी रहे हैं, और वो 2014 और 2019 लगातार हुड्डा साहब के अनुशंसा पर टिकट लेकर के और वो चुनाव मैदान में हार गए थे। अगर मैं आपसे चर्चा करूंगा तो इसके अंदर सबसे पहला नाम फरीदाबाद लोकसभा के तहत आने वाली प्रथला विधानसभा का सीट का आएगा। रघुवीर सिंह तेवतिया यहां से 2009 में विधायक रहे, 2014 और 2019 दोनों चुनाव में उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन दोनों ही चुनाव वो हार गए। 2014 में तो रघुवीर सिंह तेवतिया तीसरे नंबर पर रहे,
टेकचंद शर्मा 2014 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते, दूसरे स्थान पर बीजेपी के नैनपाल रावत रहे उस चुनाव में 2014 में, और तीसरे स्थान पर रघुवीर सिंह तेवतिया पहुंचे। और 2019 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2019 में रघुवीर सिंह तेवतिया रहे तो दूसरे स्थान पर, लेकिन वो निर्दलीय कैंडिडेट नैनपाल रावत से चुनाव हार गए लगभग 16-17 हजार वोट से। अगर मैं आपसे एक बात और भी जोड़ दूं कि इस चुनाव की जब बात चल रही है 2024 की, तो हालांकि कांग्रेस के अंदर रघुवीर सिंह तेवतिया को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि रघुवीर सिंह तेवतिया सबसे मजबूत सशक्त कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर कहीं ये बात चल पड़ी कि दो बार चुनाव हारने वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो फिर संकट बन जाएगा, संकट की बात जरूर आ जाएगी। और वैसे भी आपको बता दूं कि पृथला विधानसभा के लिए कांग्रेस से कोई लगभग दर्जन भर नेताओं ने अप्लाई भी किया हुआ है। अगर अगली विधानसभा की बात करूं तो फिर नारनौल की बात कर लेते हैं। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री रहे 2009 में हुड्डा सरकार के अंदर, हुड्डा सरकार पार्ट टू में, राव नरेंद्र सिंह 2009 में चुनाव जीते थे हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर, कुलदीप बिश्नोई के टिकट पर, और उस समय कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को छोड़ करके आ गए थे वो कांग्रेस में। 2014 में भी और 2019 में भी कांग्रेस ने उनको दोनों चुनाव में टिकट दिया, लेकिन दोनों ही चुनाव राव नरेंद्र सिंह हार गए, चुनाव जीत नहीं पाए। अगला नाम अगर मैं कहूं तो यादवेंद्र सिंह, वो भी अहिरवाल की कोसली विधानसभा सीट से यादवेंद्र सिंह भी लगातार दो बार चुनाव हारे, हुड्डा साहब के समर्थक रहे हैं और उनको भी दोनों बार शिकस्त मिली। हालांकि अब कोसली विधानसभा सीट के अंदर कोसली क्षेत्र में एक नई एंट्री करवा चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन यादवेंद्र सिंह का बात नाम जरूर आएगा। अगर अगली विधानसभा की बात करूं तो फिर पटौदी विधानसभा सीट से सुधीर चौधरी हैं। सुधीर चौधरी जो हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नज़दीकी रिश्तेदारों में शामिल हैं। बताया जाता है कि सुधीर चौधरी के परिवार में और जो लड़की है जो उनके परिवार में वधू है वो चौधरी उदयभान के भाई की पुत्री है शायद, यानी कि नज़दीकी रिश्ता है। सुधीर चौधरी भी लगातार दो बार चुनाव हार चुके हैं पटौदी से, और अब की बार आप देखें तो पटौदी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है, लगभग 4 दर्जन के आसपास लोगों ने पटौदी के लिए आवेदन किया है। अगर सुधीर चौधरी की टिकट कटती है तो फिर वो, क्योंकि चौधरी उदयभान के नज़दीकी रिश्तेदारों में भी हैं, इसलिए सीधा सीधा वो हुड्डा ग्रुप से हैं। अगला नाम अगर कहें तो फिर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा फतेहाबाद से विधायक रहे, वो भी 2009 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे उस चुनाव में, और समर्थन दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को, कांग्रेस पार्ट टू को। बाद में प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा को दो बार टिकट मिला, लेकिन दोनों बार वो चुनाव हार गए फतेहाबाद से। परमवीर सिंह टोहाना से चुनाव हार गए दो बार लगातार। हालांकि 2019 के चुनाव में टोहाना से देवेंद्र बबली के लिए सिफारिश की गई थी, लेकिन देवेंद्र बबली को टिकट मिला नहीं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और चुनाव वो जीत गए जेजेपी से, परमवीर सिंह हार गए। अगली बात करें तो फिर रणवीर सिंह महिंद्रा का नाम आता है बाडरा विधानसभा सीट से। पिछली बार भी चुनाव हारे और 2014 में भी हारे बाडरा से रणवीर सिंह महिंद्रा। 2014 में चुनाव जीती यहां से नैना चौटाला। रणवीर सिंह महिंद्रा चौधरी बंसीलाल जी के बेटे हैं बड़े, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के, और रणवीर सिंह महिंद्रा के लिए कहा जाता है कि वो जो चुनाव हारे वो एक षड्यंत्र के तहत हारे, और उस षड्यंत्र के अंदर किरण चौधरी जो उनके छोटे भाई चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी आजकल भाजपा में जा चुकी हैं तो शाम की विधायक, वो भी शामिल होती थी। रामकिशन फौजी चुनाव हारे बबानी खेड़ा से दो बार लगातार। विशंबर वाल्मीकि वहां के विधायक हैं, आजकल मंत्री हैं सरकार में, लेकिन यहां भी बात वही आ जाती है कि दो बार चुनाव हार चुके। इवन लोकसभा चुनाव में ये जरूर है कि बबानी खेड़ा में जो हिसार लोकसभा में आती है वहां प्रदर्शन ठीक रहा कांग्रेस का, लेकिन क्या उसके बूते इनको कंसीडर किया जाएगा। अगली बात आती है तो धर्मेंद्र सिंह का नाम आता है जुलाना विधानसभा सीट से, धर्मेंद्र सिंह डुल, ये भी लगातार दो बार चुनाव हार गए। अगली विधानसभा की बात करें तो फिर विद्या रानी का नाम आता है नरवाना विधानसभा सीट से। नरवाना रिजर्व सीट है और नरवाना से रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौटाला साहब अपना इनेलो से और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से, और सुरजेवाला साहब के पिताजी स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला भी विधायक रहे कई बार। हॉट सीट है नरवाना, रिजर्व सीट है, दो बार चुनाव हार चुके। वैसे अब की बार वहां पर कुमारी सैलजा का दावा ज्यादा रहेगा क्योंकि कुमारी सैलजा के लोकसभा क्षेत्र में आता है नरवाना। अगली बात करें तो जरनैल सिंह रतिया,
सिरसा से आते हैं जरनैल सिंह, और रतिया भी सिरसा लोकसभा के अंदर आती है, तो जरनैल सिंह दो बार चुनाव भी हार चुके और कुमारी शैलजा का वहाँ भी दावा मजबूत होगा। अगली बात करें तो गोलाची का दिलूराम बाजीगर वहाँ से दो बार चुनाव हार चुके हैं, गोला से। कैथल लोकसभा में आती है गोला विधानसभा सीट। अगली बात करें तो मनदीप सिंह का नाम आ जाता है, फिर मनदीप सिंह चड्डा सरदार हरमिंदर सिंह चड्डा के बेटे हैं और दो बार चुनाव हार चुके ये भी कांग्रेस के टिकट पर। और अगर अंतिम बात करें तो फिर सोमवीर सांगवान का नाम आता है लोहारू से। सोमवीर जी भी चुनाव हार गए लगातार दो बार, अब की बार वहां से निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे। तो इस लिहाज से देखें तो ये सीटें जो हैं 14 विधायक ऐसे हैं जो लगातार, इनमें से ज्यादातर विधायक रहे हैं, 14 नेता ऐसे हैं जो लगातार दो बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। और ये सभी नेता, इनमें से अधिकांश नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। और राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा ने जो एक सूची तैयार की हुई है, इनमें 14 नाम ये हैं और 4-5 नाम और भी हैं। जो और नाम हैं उनके अंदर वो है कि जो कभी पिता पुत्र हारे, या कोई ऐसे नेता जो सीट बदल बदल कर दो बार हारे, यानी कि ये तमाम लिस्ट जब टिकटों पर बंटवारे की बात चलेगी, टिकटों पर सहमति बनाई जाएगी, तो कुमारी शैलजा की तरफ से बात रखी जाएगी। अब अगर दो बार चुनाव हारने वाली बात को मान लिया गया, इसको रख दिया गया कि ये बिल्कुल जो कांग्रेस का फैसला था उसको माना जाए, तो फिर इन तमाम नेताओं के टिकट पर कैंची चल सकती है, खतरा बन सकता है। और अगर इन नेताओं के टिकट पर खतरा बनता है तो फिर आप मान लीजिए पावर गेम में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछड़ते दिखाई देंगे कांग्रेस के अंदर। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर अब की बार जो दो बार चुनाव हारने वाला फंडा था वो कितना कामयाब होगा? क्या दो बार चुनाव हारने वाले नेताओं को कंसीडर राहुल गांधी करेंगे या नहीं? और सबसे प्रमुख सवाल कि जो मैंने आपसे कहा कि इस पावर गेम में हुड्डाबाजी मारेंगे या शैलजा आगे रहेगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।